अवैध खनन को रोकने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। औरैया में अवैध खनन करते ट्रैक्टर मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब दिबियापुर थाने के जमुआ गांव में 4 वर्ष के मासूम को अवैध खनन करते ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर अवैध खनन में जुटे ट्रैक्टरों को नहीं रोक रही है। कई ट्रैक्टर दिन रात खनन में लगे रहते हैं। वहीं जब इस संबंध में SDM से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां से कोई परमिशन नहीं है कि किसी भी प्रकार का खनन किया जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिशन के कोई ट्रैक्टर नहीं निकलने दिया जाता है। उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ टोटल इस एरिया में देना बंद कर दिया। परमिशन नहीं है, सिर्फ प्रधान को देते नहीं, नहीं, नहीं। इसी को भी नहीं दे रहा हूँ। एक प्रधान ले लिया होगा विकास कार्यों के लिए। दिन में कितनी टाइम दिन में? कम से कम सुबह 4 बजे से चलाते हैं, शाम को 8-9 बजे तक चलाते रहते हैं। कितने ट्राली मट्टी? कम से कम 10-15 ट्राली ट्रैक्टर है। कम से अभी तो ये चल रहा है फिलहाल, बंद ट्रैक्टर चल रहे यही चल रहा है अभी तक। क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की मौत हुई है अवैध खनन के ट्रैक्टर के चलते, क्या कहेंगे? जमुई गाँव में 4 साल का बच्चा है जिसकी ट्रैक्टर में ट्रैक्टर औरैया से अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।